Hey guys, what's up everyone? This is the Functional Technology Biker. आज की जो वीडियो है कुछ बहुत डिफरेंट कंटेंट है. मेरा बहुत टाइम से मन था ये पर्टिकुलर वीडियो शूट करने का इस कंटेंट के बारे में. तो क्या है ये कंटेंट, किस बारे में है ये वीडियो और क्या है कहनी, तो अपनी शेयर ना खरीदी और आपको झूठ ना बोलूँ तो लिटरली बताऊँ महीने में मुश्किल से एक या दो बार या तीन बार अभी बाहर निकलती है. ठंड इतनी ज़्यादा हो गई दिल्ली में, मतलब यार वीडियो बनाने का दो पर्पस है, तो टाइम भी कम मिल पा रहा है. दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है. अभी खड़े खड़े इतनी ठंड लग रही है तो बाहर निकलने का तो मन नहीं करता. संडे राइड वाली भी बंद हो रखी है, कोई संडे राइड वाली बात नहीं जा रहा है क्योंकि यार आलस इतना आता है, बाहर ठंड इतनी होती है, मतलब सही उठ के ना सो जाओ. मेरे ख्याल से आपके साथ भी हो रहा हो तो कमेंट से बताना कि आपके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, सब कह रहे हैं हो रहा है. अब आते हैं मेन इस पर्टिकुलर वीडियो के मुद्दे पे. ये वीडियो किस पे है, किस चीज़ पे है, आपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल पढ़ लिया होगा. ये वीडियो है जर्नी फ्रॉम R15, जो मेरी पहली बाइक थी जो मैंने ओन करी थी, टू बनेली 600 आए. मैंने अभी तक कौन कौन सी बाइक्स ली, अभी तक मैंने कौन कौन सी बाइक्स ओन करी और मेरे पास अभी तक कौन कौन सी बाइक्स हैं जो अभी मैं ओन कर रहा हूँ घर पर खड़ी हुई है. तो स्टार्ट करते हैं मेरे वीडियो का इंट्रो के. तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत लोग कहते थे अपनी जर्नी बताओ कि आपने अभी तक कौन कौन सी बाइक ऑन करी है, क्या आपकी जर्नी रही और कौन सी, या क्या आपकी पहली बाइक बन ली थी, क्या आपकी दूसरी बाइक बन ली थी, आपकी पहली बाइक के बाद आपने कौन सी, मतलब जो भी है लोग पूछते रहते हैं सवाल. तो मैंने कहा मैं एक बहुत टाइम से वीडियो ऐसे प्लान करें, तो मैंने कहा आज ये वीडियो बना ही लेते हैं इस बारे में कि कौन कौन सी बाइक अभी तक मैंने ऑन करी. तो जर्नी स्टार्ट करते हैं, अभी शॉर्ट में वीडियो खत्म कर देंगे. तो जर्नी स्टार्ट करते हैं पहली बाइक से. तो पहली बाइक जो मैंने ली थी वो थी यामाहा R15, ब्लू कलर की बाइक थी. यहाँ पे फोटो अटैच कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मेरे को फोटो मिल जाएगी तो डाली दूंगा. तो यहाँ पे फोटो अटैच कर रहा हूँ, देख लेना. यामाहा R15 version 3 हमारी पहली बाइक थी, मतलब मेरी पहली बाइक थी जो मैंने ओन करी थी. वो मैंने ली थी जब मैं यहाँ थोड़ा छोटा था, कुछ 3-4 साल हो गए इस बात को, तो तब मैंने वो पहली बाइक ली थी और तब वो तो पापा ने मेरे को लेके दी थी और वो बाइक भी बहुत अच्छी थी. अभी के लिए यामाहा R15 बहुत अच्छी बाइक है, पर वो बाइक मैंने कुछ रखी 1 से 1.5 साल. 1.5 साल में बाइक ने इंजन में उसने बहुत बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस दी, सब कुछ बहुत बढ़िया कराया. और उसके बाद चेन एंड फिल्टर मैंने लगाया था उसको, उससे आवाज़ भी अच्छी आती थी. पर उस बाइक में एक मेन दिक्कत थी, पहली बात तो यार एक अपग्रेड का चुनना, एक अपग्रेड का कीड़ा जो दिल में रहता है वो हर बंदे के रहता है और रहना भी चाहिए. तो दिक्कत मेन जो छोटी चीज़ थी वो थी उसके अंदर ABS नहीं था. और जो लोग कहते हैं ABS की जरूरत नहीं है, तो भाई आज की डेट में ABS बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है. जिन लोगों को लगता है कि ABS की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए बेनेली थोड़ा वेट करके लिया, टाइम वेट करके थोड़ी पैसे सही करके बेनेली ABS वाली ही ली. ABS वाली बाइक है वैसे लेना, चाहे 150 cc हो, 200 cc हो, 1000 cc हो, ABS के बिना कोई फायदा नहीं है बाइक में लेने का. मेरी R15 से एटलीस्ट मैं 4 या 5 बार गिर चुका था पहले जब मैंने वो ऑन करी थी होगी. उस टाइम होता गया था कहीं भी पानी आता था, कहीं भी मिट्टी आती थी, कुछ आता था, एकदम से स्पीड में ब्रेक रखती थी तो होता गया था कि बाइक स्लिप हो जाती थी. 3-4 बार तो मैं अपनी अंदर से गिरी था. इस चक्कर में मैं सोचा कि यार कुछ अपग्रेड करते हैं. तो अब लोग कहेंगे, जिन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर रखा, पता नहीं टेक्नोलॉजी बाइकर वाले मेरे अकाउंट पे है या नहीं है, मेरी फोटो देखेंगे पुराने वाले मेरे अकाउंट में है, तो बहुत लोग कहते थे कि भाई आपके शायद ड्यूक भी थी, उसका आपने क्या करा और ड्यूक आपने कब ली थी. कुछ लोग लगता है मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि मेरे सारे ड्यूक थी, क्योंकि लोग कहते हैं आपने ड्यूक 390 बेच के RS 200 क्यों ली. तो आपको शॉर्ट में बता दूँ, पहली जो मेरी बाइक थी वो थी यामाहा R15 version 3, उसको मैंने 1.5 साल रखा. 1.5 साल के बाद एक दिन आया जब एक लगी BS3 सेल. जिन लोगों को नहीं पता कि एक बार लगी थी भी लगा लो अराउंड 2 साल पहले एक सेल लगी थी जब गवर्नमेंट ने सारे BS4 व्हीकल्स को अलाउ करा था एंटर करने का मार्केट में और सारे BS3 वाले व्हीकल्स बैन कर दिए थे. तो उस टाइम बेसिकली हुआ गया था शोरूम्स में थी बहुत ज़्यादा भीड़ और सारी कंपनीज दे रही थी BS3 वाले व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट. BS3 व्हीकल्स में डिस्काउंट था. मेरा बहुत टाइम से KTM 390 लेने का मन था, होगी R15 थी 150 cc और KTM 390 थी 390 cc, लेकिन मैंने लिखा था RC 390. तब मैंने लिखा था RC 390, क्योंकि RC 390 इज़ अ वेरी गुड बाइक, अपने प्राइस रेंज में बहुत अच्छी बाइक है. उस टाइम खबर आई थी कुछ, मतलब न्यूज़ में मतलब आ रहा था, हर जगह आ रहा था, और मेरे को खबर आई थी मेरे दोस्तों वगैरह से कि RC 390 मिल रहा है सीधा डायरेक्ट 40,000 रुपये डिस्काउंट. तो 30-40,000 रुपये उनका डिस्काउंट मिल रहा है. तो मैं यहाँ का जो सबसे बड़ा शोरूम है कमल मेरे ख्याल से करोलबाग में है पास में, मैं वहाँ गया, KTM के शोरूम गया, वहाँ भीड़ लगी हुई थी अच्छी खासी. वहाँ मैंने देखी खड़ी हुई KTM RC सिर्फ 200 खड़ी थी, 200 रुपये डिस्काउंट था, लेकिन 390 खत्म हो गई थी, सारी बिक गई थी. तो मेरे को उस टाइम बहुत दुख हुआ कि यार 390 बिक गई है, अब 200 लेने का फायदा नहीं है. मैं सोचा पहले मेरे पास 150 cc की बाइक है जो मैं ओन कर रहा हूँ यामाहा R15, अगर 200 लूँगा तो इतना कोई फायदा ही बात नहीं है, इतना अपग्रेड नहीं है वो. तो मैं सोचा यार लूँगा तो 390 ही लूँगा, चल आज निकल लूँगा. फिर मेरे को पता लगा डिस्काउंट लगा हुआ है ड्यूक 390 तब थी अराउंड 210,000 की कुछ, या 230,000 की तब ऑन रोड प्राइस था ड्यूक 390 का, 230,000. अब तो ज़्यादा हो चुका होगा, अब उसमें TFT स्क्रीन आ गया वगैरह वगैरह फीचर्स आ गए हैं. तो उस टाइम गलती करी मैंने, थोड़ी सी गलती करी कहूँगा, जोश में मैंने ले ली ड्यूक 390 होगी, मेरे को मिल गई 220,000 की बाइक, कुछ 1,80,000 या 1,90,000 मेरे को मिली थी. तो मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स करा, अपने घर में ही बात करी. उस टाइम मैंने अपनी R15 को तब सेल नहीं किया था तो पैसे थोड़े कम थे. उसके बाद किसी ना किसी तरह ना फाइनली मैंने ड्यूक 390 बाई करी. यहाँ पे एक फोटो डाल रहा हूँ, फोटो आ रही है वो देख लेना, उसमें मैं बैठा हूँ ड्यूक 390 पे. ये वो दिन था जब मैंने अपनी ड्यूक 390 की डिलीवरी ली थी. तो उस दिन मैं ड्यूक 390 घर लेके आया था, तब मेरे घर पर R15 भी खड़ी थी और मेरी ड्यूक 390 भी खड़ी थी. उसके बाद मैंने ड्यूक 390 थोड़ा टाइम चलाई,
बहुत इन्जॉय किया, पावर बाइक में बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद मेन क्या हुआ यार, अब दो बाइकें खड़ी थी, मैंने अपने घर में प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी आरुण फ्राई बेचूंगा, क्योंकि सारे पैसे ड्यू 290 में लगा दिए थे। आरुण फ्राई को मैंने सेल करा, ओयल एक्सप्रेस को डाला, बाइक बहुत अच्छी मॉडिफाइड थी, एंजल आई स्कैन बिट थी, बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड थी, उसके अंदर कुछ खराब कुछ नहीं किया था, तो बाइक अच्छी थी, इसलिए जल्दी बिक गई कुछ 90,000-80,000 की। मेरी शायद तब के टाइम पर आरुण फ्राई बचन थी, सेल हो गई थी 1.5 साल चला के, तब ड्यू 390 मेरे पास खड़ी थी। मैंने उसको मुश्किल से, तब मैं राइड सेंडिलेट वगैरह नहीं मारता था, मैंने अपने लोकेलिटी में चलाता था, तब मैंने उसको चलाया कुछ 5-6 महीने। उसके बाद लिटरली मेरा बाइक से बिल्कुल ही दिल उड़ गया। ड्यू 390 मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती थी। मेन बात है यार, मेरे को बचपन से ही नेकेड बाइक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरे को बचपन से ही पसंद है स्पोर्ट्स बाइक, RC 390 है, RS 200 है, मेरे को पसंद थी। हायाबूसा होगी इनकी जो फेयरिंग है, ये फेयरिंग वाले बाइक होती हैं, इनके अंदर ऐसे झुकते बैठते हैं, वो ये सब बाइकें पसंद आती थी। पर तब मैं थोड़े पावर के जोश जोश में कि मेरे को पावर ज़्यादा मिलेगी, मैं ले आया ड्यूक 390, पर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था। उस बाइक में इतना मज़ा आता था, ना साउंड लगती थी ना मज़ा आता था, और मेन बात है माइलेज। मेरी ड्यू 390 तक के टाइम पर कुछ माइलेज देती थी सिटी राइड में कुछ 13-14 की, तो और जो मेरी पहले RN5 थी, मेरी RN5 माइलेज देती थी वो 40 की, तो 40 की माइलेज से सीधा मैं आया। चाहे पावर थोड़ी सी गया तो ज़्यादा मिली, ब्रेकिंग थोड़ी बेटर मिली, ABS मिला, उसके बाद मैं ABS के मतलब ABS ने बहुत हेल्प किया, लेकिन यार पावर मिलने के बाद भी वो मज़ा नहीं आया, माइलेज इतनी कम हो गई, एक चलाने का मज़ा नहीं आता था। 5-6 महीने मुश्किल से मैंने ड्यू 390 रखी, मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अभी भी मेरे को मुश्किल है मैं ड्यू 390 लूँ या ना लूँ, मेरे को इतनी पसंद नहीं आती। नई वाली ड्यू फिर भी अच्छी है, बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि नई वाली भी थोड़ी लंबी कर दी है और कलर अच्छे कर दिए हैं, बहुत चीज़ें करती है। पुरानी ड्यू मेरे को लगती है बिल्कुल, कहते हैं ना अच्छी, मतलब कोई पर्सनल नाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उस टाइम मैं जोश में ले आया होगी, मैं लगा 390 है, KTM है, तो KTM का नाम बहुत था, अब तो इवन KTM में थोड़े कम हो गया है, तब KTM का बहुत ज़्यादा नाम था 2-3 साल पहले, बहुत लोग करते थे KTM है तो मतलब बहुत कुछ है, इवन तो अभी बहुत कुछ है। पैसा यार देखो बहुत चीज़ होती है, चाहे वो बाइक 10,000 की हो या 1 लाख की हो 10 लाख की हो, पर बाइक हर बंदे के लिए अपना इमोशन होता है। पर मेरे को तब इतनी पसंद बिल्कुल नहीं आई ओन करने के बाद, मज़ा नहीं आया KTM को। तब मेरे को आती थी याद अपनी यामा RN5 की, मैंने गलती कर दी, उसको सेल कर दिया, उसको वापस भी ला सकते। फिर क्या हुआ, 6 महीने मैं बाइक का रखा, बिल्कुल परेशान था, मतलब इतना मज़ा से नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं यार, तो मेरे घर वाले मेरे को लिटरली कहते हैं भाई तू पागल हो गया। तब मैंने कहा यार मेरे को वापस कोई 200 cc या 250 cc या 300 cc के सेगमेंट में जाना है, मेरे को माइलेज भी चाहिए होगी। तब मैं यार अपने खर्चे भी तब से खुद निकालने शुरू कर दिए थे, मैं खुद पेट्रोल वगैरह भराता था यार कहीं कभी, तो वो बहुत पेट्रोल बीती थी और मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा यार मेरे को वापस जाना है, तब मतलब 200 cc के सेगमेंट में। घर वाले कहते हैं भाई तू पागल है, तू 200-150 बेच के पहले 390 पे आता है, फिर तू 390 को बेच के अब कहते हैं वापस 200 जाना है, तो क्या चल रहा है। तब उन्होंने बहुत ज़्यादा मना किया, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, जो रखा उसको रखे खुश रहे। तब मैंने बोला यार नहीं, तब मैं था भी थोड़ा 2-3 साल तरह की बात है, मैंने कहा नहीं इसको मैं ऐसे नहीं रख सकता, वो नहीं बिल्कुल मज़ा आ रहा। तो फिर मैं मेरी एक दिन बाय चांस, तब मैं शायद थोड़े टाइम 2 साल पहले मैं तब शायद पता नहीं कहीं कुछ आ रहा था, मेरे को बजाज के शोरूम में मेरे को RS 200 बहुत पहले से पसंद थी। RS 200 को कुछ आए थे 4 साल हो गए हैं, जब अपनी मैंने RN5 ली थी तब भी RS 200 स्टॉक में थी, लेकिन उसका आता था येलो और रेड कलर। येलो कलर बहुत अच्छा लगता था मेरे को, रेड कलर इतना पसंद नहीं आता था, येलो बहुत अच्छा लगता था, एकदम बढ़िया लगता था येलो कलर की। लेकिन एक दिन मैं तब आ रहा था किसी गाँव से, मेरे को तब शोरूम में खड़ी हुई दिखी RS 200 का ब्लू एंड वाइट कलर, वो जो कलर मेरे को लगा, उस कलर में मेरे को जो बात लगी, मज़ा लगा, मैं लिटरली 15-20 मिनट उस कलर को देखते रहा। मेरे को ऐसा था कि यार ये चीज़ मेरे को लेनी है, कोई अगर चीज़ अब लेनी है तो ये लेनी है। मैंने बोली डिटेल्स ली, उसने कहा आपको 1.5 लाख की पड़ेगी, ऑन रोड 190 मैं लगा चुका था अपनी ड्यू 390 में, 1,90,000 190 मेरे तक कुछ वहाँ लग गए थे। 5-6 महीने मैंने से बाइक यूज़ कर दी, मैं ऐसा सोच रहा था अब मैं अगर उसको बेचूंगा तो बहुत डिप्रिसिएशन हो जाएगी, जबकि इवन तो तब वापस नई बाइक हो गई थी 2,20,000 की। तो मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, घर में बहुत ज़्यादा बात करी, बड़ी मुश्किल से 3-4 बार शोरूम में गया, RS 200 की टेस्ट ड्राइव लेके आया, मेरे को भाई बहुत ज़्यादा पसंद आई। मेरे को बस ये था मेरे को वापस फेयरिंग वाली बाइक चाहिए, जल्दी से जल्दी फेयरिंग वाली बाइक चाहिए, और बस यार उसको ऑन करना है बहुत जल्दी और ड्यूक को निकालना है। तो मैं ऐसा था, तो मैंने किसी तरह ओयल एक्सप्रेस से इस बार ड्यूक किया डाली कुछ, मेरे को अभी भी अच्छे से आता बाइक से मामले में, कभी चीज़ें नहीं भूलता, मेरे दिमाग में मशा जाती है। 1,60,000 की मैंने अपनी ड्यूक बेची, 30,000 का मैंने नुकसान खाया, ऑब्वियसली बात है डिप्रिसिएशन हो ही जाती है, मैंने 30,000 का नुकसान खाया 5-6 महीने बाइक को ऑन करने में। 160 या 162 160 लेके मेरी ड्यू 390 निकली, और वो जो पैसे आए उससे मैं फिर डिलीवरी लेके आया अपनी पल्सर RS 200 की, जिसका नाम पैकेज से आप लोग जानते ही हो जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो सारे आपने उसके ऊपर तो मोटिवेशन देखी है। उसको मेरे को सच बताऊँ कभी भी नहीं बेचना, अंटीनल से पता नहीं होता कब भगवान जी कभी जाने का क्या होता है, लेकिन वैसे उसको कभी भी नहीं बेचना, क्योंकि उससे मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार है। कुछ 40,000 रुपये उसको लगा चुका अभी तक मैं उसको मॉडिफाई मारने में, डुअल एग्जॉस्ट केन एंड फिल्टर एंजल आईज सेंटर लॉकिंग, उसको तक इतना काम हो रखा है। जिन लोगों ने वीडियोस मेरी नहीं देखी वो देख लेना, सारी वीडियोस मेरे चैनल पे है, बहुत काम हो रखा है। रैपिंग वैपिंग अभी उसमें मैं सोच रहा हूँ एक और रैप भी कराऊंगा, तो बहुत उस पर काम हो रखा है, तो अभी कभी सेल नहीं करना। उसके बाद मैंने अपनी RS 200 अभी रखी कुछ 2 साल, मेरी RS 200 का पैकेज उसको हमारी कुछ 2.5 साल हो चुके हैं। मैंने एक्जैक्ट ली थी September 2017 में, स्टार्टिंग में ली थी September 3 या 5 को, September 5 को एक्जैक्ट ली थी, वो ये भी याद होगा मेरे को प्यार बहुत है उससे, और अभी दिसंबर हो गया तो 2 साल 2 महीने बाइक को हो चुके हैं। एज सच उसने थोड़े बहुत इशूज़ दिए, कई बार इतना ऐसे इशू दिए, मेरे को उसकी लुक्स बहुत पसंद है, माइलेज ये वो 30 माइलेज माइलेज ये दी है, और मेरे को उसको तो अभी बिल्कुल सेंड नहीं करना। उसके बाद अब 2 साल हो गए पैकेज उसको आए हुए, उसके बाद मैं आया अब अपनी
जब आया हमें सोच रहा सुपर बाइक का, तो सुपर बाइक का शौक तो बहुत पहले से था, बाइक्स का मतलब इतने पहले से था, आप लोगों को पता लग ही रहा होगा। उसके बाद लगा भाई सुपर बाइक चाहिए, सुपर बाइक चाहिए, सुपर बाइक चाहिए। तो यहाँ आई हमारी ब्यूटी एंड बीस्ट जो अपनी आगे खड़ी है बेनेली 600i। तो ये इसको लाने में तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे, ऑब्वियसली बात है यार, अमाउंट छोटी नहीं थी। अराउंड बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं आपको भाई कितनी बड़ी, तो एग्जैक्ट मेरे को भाई मैंने उस पड़ी 5 लाख की, बस उसके ऊपर मैंने खर्चा भी कर दिया, तो इतनी कुछ 5-20 की बढ़ गई। तो उसके बाद आर एस एस के बाद फाइनली मेरी आई ये अपनी बीस पहली स्कॉर्पियो जानती हूँ, शेर, जिसका नाम शेर रखा हुआ है। एक बार आपको आवाज़ भी सुनाया, बहुत लोग कहते हैं भाई वीडियो को एंड मत करना, अभी आवाज़ सुनाया बिना अपनी शेर की आवाज़ जो आप लोगों को पता, थोड़ी सी पता नहीं कम लग रही है, तो सर्दी में थोड़ी बाइक वो भी हो जाती है, इंडिया में उसका ठंडा लगता है। तो जो भी है उसके बाद यार घर मेरे को ये आ गया कि आप मेरे को लेनी है सुपर बाइक। आप लोग कहोगे भाई 5 मिनट पहले कह रहा था मेरे को नेकेड बाइक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो था लिमिट ड्यूब तक और काफ़ी बाइक्स तक। जब मैंने ये बीस्ट को चलाया, बेनेली 600i को चलाया, इसमें जो मज़ा आया पावर का, सबसे मेन मज़ा आया साउंड का। तो साउंड का इतना ज़्यादा मज़ा आया, जब उसको एक बैठते हैं ना, जब इसको मेरे को ऑन करते हैं तो थ्रॉटल देते हैं, तो एक ना दिल में इसकी आवाज़ बजती है। तो इस बाइक से मेरे को इतना प्यार हो गया, मेरे को ये तो मेरे को अब तो ये हो गया मेरे को यही बाइक लेनी है और इसी बाइक को ऑन करना है। तो बहुत टाइम लगा, कुछ महीने साल निकले, मतलब 2-2.5 साल आर एस को लगा लो, लेकिन 2 साल लेने के बाद अभी इसको अपनी शेर को लिए कुछ 6 महीने हो गए हैं, जून में ली थी तो 6 महीने हो गए हैं। तो 1.5 साल आर एस को रखा, उसके बाद मैंने यार बहुत टाइम से मतलब प्लान कर चुकी है मेरे को अब लेनी है तो वही लेनी है। उसके बाद जब टाइम के बाद मेरे को लगा कि चल यार अब बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे को रातों को नींद आनी बंद हो गई थी लिटरली। मेरा ऐसा हाल था, जिन लोगों ने मेरी डिलीवरी की वीडियो नहीं देखी ना, जब मैं डिलीवरी लेने गया था, तो मेरी ऊपर आई बटन लिंक आ रहा है, डिलीवरी की वीडियो देख लो, उसमें मैंने पूरी कहानी बताई थी। तो मेरे को लिटरली इतना ज़्यादा प्यार हो गया था ना कि मेरे को सुपर बाइक लेनी है, और लेनी है तो अभी बेनेली 600i लेनी होगी मेरे को। उससे बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं लगाव और पागलपन हो गया था लिटरली। रात को यार बैठ बैठ के देखते रहता, तो उसकी वीडियो साउंड सुनते रहता था। और मेन अब चीज़ ये थी, मेरे को पता था मैं पहले ही गलती कर चुका हूँ, पहले गलती थी मैं बहुत, इस बार वो हो गया कि यार मेरे को बोली गलती नहीं करनी, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ, जो लोग सोच रहे कि मैं अपनी पुरानी बाइक सही कर दूंगा, बिल्कुल हर जगह सुपर बाइक को एक ले लूँगा, अकेली बाइक बहुत है, तो ऐसा नहीं हो पाता। जिनको भी देखो, जो लोग जिनके जो भी सेंसेबल लोग हैं, उनको ये बात पता कि भाई सुपर बाइक से सारे काम नहीं हो सकते, अगर आपके काम थोड़े बाइक के होते हैं। अब मेरे को बहुत जगह जाना होता, कुछ बिजनेस के काम भी होते, जिम वगैरह भी जाना होता, तो हर जगह मैं सुपर बाइक को रोज़ नहीं लेके जा पाता। तो मैंने बेसिकली इसमें सोचा कि जो गलती मैंने पहले करी थी ड्यूब 390 को, जब मैं लिया था मैं अपनी आरएफ बेची थी, बोलती वो गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। घर वालों ने इतना बोला भाई तू दो दो बाइकों के क्या करेगा, तू अजय देवगन है, तू क्या है कि एक एक पैर रख के चलाएगा दोनों बाइकों पे। मैंने किया कि बहुत लोगों ने बोला, सबको मैंने भाई इग्नोर किया, मैंने कहा इस बार मेरे को सुनिए अपने दिल की, अपने दिमाग की। मैंने बहुत प्रैक्टिकल मैंने सोचा, ऑब्वियसली बात है यार अभी भी एटलीस्ट मतलब मैं आधी इसकी डाउन पेमेंट भर दी, जो लोग कहते हैं आपने कैश पे लिया क्या लिया, वहाँ मैंने कैश ही दिया, पर अपना मैं मतलब अपना पर्सनली मैं उसको वो फाइनेंस कर रहा हूँ, कुछ 2.5 या 3 इसकी मैंने भर दी है, बाकी मेरे हर महीने का जो EMI होता है वो कट रहा है। तो मैंने बहुत इस बार प्लान किया, मैंने कहा नहीं मेरे को अपनी आर एस को सेल नहीं करना, अभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, रोज़ मेरे को जब भी वो चीज़ वो डिसीजन दिमाग में आती है ना, मैं रोज़ सोचता हूँ भाई मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मेरे घर वाले खुद कहते हैं कि हम गलत थे, तेरे को बोलते थे भाई तू अपनी दूसरी बाइक भेज दे, क्योंकि इसकी जो यार देखो एक सुपर बाइक जो होती है ना, सुपर बाइक होती है, आप उसको संडे नाइट में निकालो, आप उसको कभी कभी निकालो, जब आपको शौक करे तब निकालो, लेकिन उसको हर रोज़ हर जगह हर मार्केट में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि एक नॉर्मल बाइक को 200 cc की बाइक है उसको कहीं भी घुसेड़ दो, कहीं भी ले जाओ, वो माइलेज देगी, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं। यार सुपर बाइक की लिमिटेशन होती है, एक उसको रखने का तरीका होता है, एक उसको रखने की इज्जत होती है, एक वो होता है, आप हर जगह सुपर बाइक को नहीं घुसा सकते। आपको मार्केट में जाना है, कुछ काम से जाना है, रोज़ आपको इधर उधर जाना है, बार बार आप एक सुपर बाइक को ऑन नहीं करोगे, उसको वार्म नहीं करोगे, उसको लेकर जाओगे, तो जो बंदा ऑन करेगा सुपर बाइक वो बंदा अपने आप समझ जाएगा कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है और जो मेरी बातों में जो मेरी बात मानते हैं, जो लोग ट्रस्ट करते हैं, उन्हें बता रहा हूँ कि अगर आपके 200 cc या 150 cc की बाइक है और आप सुपर बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, तो उसको सेल करने का मत सोचना, बहुत ज़रूरी है एक छोटी बाइक भी। और अगर सुपर बाइक लेनी हो तो भाई यार एक बहुत ज़्यादा मतलब शौक वाली चीज़ है, तो भाई बिल्कुल लो, लेकिन उस बाइक को सेल मत करो अपनी पर्सनल, उससे बता रहा हूँ। अभी भी रोज़ मेरे वो चीज़ आती है ना, बहुत खुश होता हूँ कि अच्छा हूँ, मैं अपनी आरएस को बिल्कुल भी सेल नहीं करा, उससे भी इतना ज़्यादा प्यार है। मैंने पहली बार की वीडियो में वो दो रीज़न हासिल करने के, पहली बात तो जेन्युइनिटी प्रैक्टिकलिटी, कि भाई उसको सेल नहीं करना होगी, कभी कभी उसका भी वो भी चाहिए होगी, जो कि मेरे को रोज़ चाहिए होती है, रोज़ मैं इसको नहीं निकालता अपनी बेनेली को, से लगा लो हफ्ते में एक बार या दो बार मुश्किल से निकालता हूँ, संडे राइड में निकालता हूँ, वैसे इसको नहीं निकालता बेनेली होगी, हर जगह नहीं लेके जा सकते, आर एस को निकालता हूँ, हर रोज़ जा भी जाना होता है, तो इसलिए कहता हूँ ये सब बातें सोचा करो हमेशा लेने से पहले। तो जर्नी ये थी, उसके बाद मैं गया, मैं जून में अपनी शेर को लेके आया, हमारी शेर को लेके आया, उसके बाद आप लोग देख ही रहे थे कि
नहीं देते कि भाई मैंने कैसे कैसे इसको लिया, क्या क्या मैंने कराया, और जहाँ से मैंने लिया है मुझे इतना पसंद नहीं आया, जो लोग कहते हैं भाई कि क्या है क्या नहीं है, बाइक अच्छी दी है, बस इसलिए मैं खुश रहता हूँ कि बाइक अच्छी दी है। इन टर्म्स ऑफ इंजन वगैरह में बाइक की कोई दिक्कत नहीं, इंजन बाइक का परफेक्ट है, अभी भी इसको चलाता हूँ 3000 किलोमीटर से मैं चला चुका हूँ, इंजन बाइक का परफेक्ट है। खर्चे वर्चे आए टायर वगैरह वाले जो कि नहीं आने चाहिए थे लेकिन वो आए, तो वो सब चीज़ें थी। ट्रांसफर कराने में थोड़ी दिक्कत है, मैंने उसको फाइनली ट्रांसफर करा लिया, मेरे नाम पे अपनी शेयर हो गई है। जो लोग इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते जरूर से फॉलो करो, नीचे आईडी लिखा टेक्नोलॉजी बाइकर, वहाँ मैं सारे अपडेट्स डालते रहता हूँ। मेरे नाम पे शेयर ट्रांसफर हो गया तो ये भी काम थोड़ा मुश्किल था पर हो ही गया। तो जो भी है किसी को बाइक लेनी हो वैसे मैं रिकमेंड करूँगा बाइक फैक्ट्री डेली जाओ, रॉबिन कावासाकी वाला, उसकी बाइक बहुत अच्छी है और बंदा भी बहुत जेन्युइन है। बाकी ये देखो मेरे मिला कि कुछ बाइक इतनी की पड़ गई 5,20,000-40,000 की, वो पड़ी गई होगी टायर वगैरह ब्रेक वगैरह आगे बहुत खर्चा आ गया। तो ये थी पूरी जर्नी, शेयर से बहुत खुश हूँ। अभी तो अपग्रेड का प्लान नहीं है पर अगर बाई चांस अपग्रेड करनी है तो क्या मतलब दिमाग में तो रहता है, लेकिन अभी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर अभी इतनी जल्दी तो नहीं है, बस भगवान जी की कृपा रहे, आप लोगों का प्यार रहे, एक यही लगाव रहे, एक सपोर्ट रहे, तो बहुत जल्दी करेंगे जो भी करेंगे। बाकी अभी इन टर्म्स ऑफ शेयर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर बाय चांस कल को मैं सोचूं भी अपग्रेड का तो वो एज अपग्रेड होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं इससे परेशान हूँ, ड्यूक से मैं परेशान था, ड्यूक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो बेनेली को थम्स अप है, बाइक बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाइक बहुत बढ़िया है, साउंड ही बहुत बढ़िया है। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी फ्रॉम R15 टू बेनेली 600i। तो जिन लोगों को अभी भी मेरे ख्याल से डाउट जिनको था उनको पूरा क्लियर होगा कि मैंने कौन कौन सी बाइक्स अभी तक ऑन करी हैं और क्या क्या अभी तक मैंने बाइक्स में मतलब कौन कौन सी बाइक्स में कौन कौन सी कैटेगरी ऑन करी है। तो अभी जो मेरे पास है वो मेरी RS 200 है और ये है, और टू व्हीलर में एक और भी अपनी स्कूटी वगैरह, तो उसकी वीडियो एक अलग से आएगी पूरी कि मेरे पास अभी तक कौन कौन से सारे व्हीकल्स हैं, कौन कौन सी गाड़ी है, क्या है कहनी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं आप वीडियो वगैरह बनाते हो तो आपके कौन कौन से व्हीकल्स आपके घर पर खड़े हैं जिनकी आप वीडियो बनाते रहते हो और हमें उनको और कंटेंट देखना है। तो जल्दी एक कंटेंट ये भी आएगा कि कौन कौन से मेरे पास व्हीकल्स हैं, जो भी मेरी गाड़ियाँ, जो भी बाइक वगैरह, सारा एक वीडियो मैं इकट्ठी खड़ी करूँगा, उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे, जो भी होगा जैसा होगा देखी जाएगी। तो यही था इस पूरी वीडियो में। आई होप जिन लोगों को डाउट था कि क्या क्या आपके पास है, क्या आपकी जर्नी थी, कहाँ से क्या आपने कौन सी बाइक ली, और आई होप मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर पाया हूँ कि भाई ये वाली जो पुरानी बाइकें होती हैं कम सीसी उनको रख लिया करो, बिल्कुल सेल मत किया करो, सुपर बाइक जरूर से लो, पूरी सहमति है, बहुत अच्छी चीज़ है। गोल्स रखो लाइफ में, एम्स रखो, उसके लिए मेहनत करो और जरूर से लो। तो करते हैं इस वीडियो का एंड, और थोड़ा ये भी कहना चाहूँगा वीडियो के बीच में कि थोड़ा सा कंटेंट जो है आजकल कम आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि पहले तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है यार, निकलने का इतना मन नहीं करता, बाइक चला नहीं पा रहा, इतनी चलाता नहीं हूँ, तो वीडियो ज़्यादा नहीं, मेरी बाइक्स भी होती हैं। आप लोगों को पता है जो लोग मैं जानती हूँ मैं ब्लॉगिंग वॉगिंग नहीं कर सकती, मेरे को इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती लाइफ स्टाइल होगी कि मैं आज ये कर रहा हूँ, आज मैं ये खा रहा हूँ, फ्यूचर में प्लान करूँगा, चाहता हूँ मैं करूँ, लेकिन अभी मैं नहीं करता, अभी मैं सिर्फ करता हूँ कंटेंट ब्लॉगिंग, मैं सिर्फ अभी कंटेंट बनाता हूँ, ये कंटेंट है आज का, ये कंटेंट है, इसलिए वीडियोस कम आती हैं, हफ्ते में एक या दो वीडियो आती हैं, पर बेस्ड ऑन कंटेंट होती है कि मतलब ये चीज़ हुई है, ये चीज़ हुई है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। तो बाकी लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग करने का सोचेंगे, बहुत लोग कहते हैं भाई आप करो लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग, तो बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा, पहले अभी ऐसी वीडियोस आएंगी, तो वेट करो, बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो कि आगे बहुत बहुत कंटेंट आएगा आगे। इंस्टा में फॉलो नहीं करा, इंस्टा में फॉलो कर लो, नीचे आईडी लिखी आ रही है, वहाँ पे सारे एड्रेस पहले आते हैं। तो आई होप यू गाइस लव दिस वीडियो, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, घंटा दबा लेना, नोटिफिकेशन दबा लेना, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राइड सेफ एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।